देश में लोकसभा चुनाव 2024 को अब बस कुछ ही महीने का वक्त बचा है। लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है, जिसके चलते अब बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से बनाया गया विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। पहले बंगाल, फिर बिहार और अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन मुसीबत में आ गया है। हाल ही में सपा की ओर से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटें देने का ऐलान किया गया, हालांकि इससे कांग्रेस खुश नजर नहीं आ रही। इसी बीच सपा की तरफ से 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अब इस मामले में यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा पर एक तरफा फैसला करने का बड़ा आरोप लगाया है। It is totally one-sided and unacceptable. उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस चीज को कभी भी पसंद नहीं कर रहा है और इस चीज के कारण निश्चित रूप से पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडरशिप है वो भी इस चीज़ से निराशा महसूस कर रही है। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ और अगर मुझे जानकारी नहीं है इस प्रकार के चर्चा की, चर्चा हो रही है, सकारात्मक हो रही है, उसमें मेरा जितना भी सहयोग हो सकता है कांग्रेस आगे बढ़कर दे रही है। उद्देश्य मात्र ये है कि एक मत हों, एक साथ मिलें। और रही बात संख्या और कॉन्स्टिट्यूंसी के नामों की, तो वो जब समय आएगा तो एक मत होकर उस चीज़ को फिर घोषणा की जा सकती है। उसमें इतनी जल्दबाजी क्या है और उसमें कुछ तथ्य भी होना चाहिए। एक तरफ हम टेबल पे चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ उससे विपरीत हम समाज को या हमारे कांग्रेस पार्टी को और उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये एक तरफा, तो ये एक तरफा तो कभी भी नहीं होता है ना। ये गठबंधन होता है कि दो दिलों का मिलना। हालांकि जब से कांग्रेस ने यूपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आपत्ति जताई है, तब से ही यूपी की सियासत में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन टूट तो नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस की आपत्ति के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण, प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था इन सीटों पर। कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। उनका विषय है ये सूची जारी करके, और कांग्रेस को एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस नाते लड़ना चाहते हैं कि अब उनको भी डर सता रहा है कि लालू जी की तरह फिर हमारे साथ कहीं ना हो ईडी सीबीआई, जो जांच चल रही है खनन वाले में, गुमती रिवर फ्रंट में, तो पूरा परिवार इधर उधर ना हो जाए, जेल की सलाखों में न जाए। वैसे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सामने रखा, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या देश की राष्ट्रीय पार्टी को देश के सबसे बड़े सूबे में इतनी कम सीटों पर रोकना सही रहेगा, और क्या अखिलेश यादव की दबाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में काम आएगी, ये देखने वाली बात होगी।